हरियाणा के पानीपत में बनी कोरोना टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग में प्रयोग होने वाले सामानों की कमी के चलते स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इस जानलेवा व डरावनी बीमारी के प्रति भी सरकार व विभाग संवेदनशील हो सकता है, ये चिंतनीय है। इसके साथ साथ डॉक्टरों ने भी सैंपल लेते समय व लैब में परीक्षण करते वक्त पीपीई किट पहनने से गुरेज कर दिया है। यह आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए शुरुआत में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए पुणे लैब में सैंपल भेजे जाते थे। सैंपल के परिणामों में देरी के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड लैब की स्थापना की, उसमें हरियाणा में भी कई स्थानों पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च कर ऑटोमेटिक शीघ्रता से रिजल्ट देने वाली कोविड लैब की स्थापना की गई है। उनमें से पानीपत नागरिक अस्पताल में भी एक लैब स्थापित की गई, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 1000 कोविड टेस्ट के परीक्षण की है। लेकिन गत दिनों की हम पीआर मीडिया रिपोर्ट को छोड़ दें और जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली जरूर है। असल स्थिति ये रही है कि गाहे बगाहे कोविड परीक्षण लैब में उपयोग होने वाले छोटे छोटे सामानों की भी दिक्कत रही। रिपोर्ट ये बताती है कि गवर्नमेंट सप्लाई में भी वह सामान नहीं था, बल्कि स्थिति ये सामने आई कि दिल्ली और आसपास के स्टोर के पास भी इस तरह के सामान की उपलब्धता की कमी रही। स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा अन्य बजट का इस्तेमाल कर निजी संस्थानों से ये सामान उपलब्ध कर कोविड सैंपल परीक्षण को निर्बाध जारी रखने की कोशिश की गई। इसे हम स्थानीय हेल्थ प्रशासन की मुस्तैदी तो कह सकते हैं। ये तो वह सच है जो सामने आया है, जबकि पर्दे के पीछे क्या हालात है वो कभी सामने नहीं आते। बेशक हम कोविड वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए हैं और वैक्सीनेशन के प्रयास भी तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। हम प्राथमिक चरण से गुजर रहे हैं, इसके चलते ओवरऑल सरकार द्वारा अपनाई जा रही कोविड के प्रति बेसिक उदासीनता को लापरवाही का नाम भी दे सकते हैं। इस लापरवाही के परिणाम घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। टेस्ट पर डे की कैपेसिटी है और हम सारे टेस्ट कर रहे हैं अपने, तो इसमें लैब में हर इक्विपमेंट है आपके पास? हाँ, सारे इक्विपमेंट हैं और जो सामान हमारा वेयर हाउस से आना होता है वो मंगा लेते हैं अपना। कितने कर्मी काम कर रहे हैं जी इसमें? कर्मी तो इसमें जो है एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, इसमें जो है LT भी है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, रिसर्च असिस्टेंट भी हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं वो? कई बार जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जैसे टिप्स होती हैं, चाहिए होती हैं, उसके लिए वो मिल नहीं पा रही थी पीछे से, तो गवर्नमेंट सप्लाई में भी नहीं थी, वो अलग से परचेज करनी पड़ती हैं और वो दिल्ली से और आसपास के और जगह पे सप्लायर हैं उनके पास भी नहीं थी, जिसकी वजह से बीच में 2-3 दिन ऐसी दिक्कत आई थी। अब वो सॉर्ट आउट हो गया। अब सॉर्ट आउट अवेलेबिलिटी कहाँ से हो गई? अब कहाँ से अवेलेबिलिटी हो पाई? नहीं, उन्होंने सप्लायर नहीं दिए लाके, कहीं ना कहीं से तो वो लेके आए हैं, पहले नहीं थी उनके पास, बार बार डिमांड जाती रहती है उनके और पूरे स्टेट के अंदर यूज़ होती है ये। कई जगह पे दिक्कत आई हमें, दूसरे जो हमारी जो लैब्स हैं गवर्नमेंट की उनसे भी नहीं मिल पा रही थी। इसमें आरटीपीसीआर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आई इसको तो लेकर? नहीं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, टेस्ट हो रहे हैं अब और जो 1000 का टारगेट हमारा जो उसकी कैपेसिटी है लैब की 1000 प्रतिदिन के हिसाब से हम कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक